हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज आप परमेश्वर के भवन में आप उपस्थित हुए। परमेश्वर से आप विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं। खुदा आज आपके परिवार में आपको ढेर सारी ब्लेसिंग आपको आशीष देने जा रहा है। यीशु हमारा आज जिंदा खुदा है। हमारे जीवन में यदि हम प्रार्थना करते हैं तो सब कुछ हमारा ठीक होगा, चाहे बीमारी हो, चाहे चिंता हो, चाहे दुख हो, चाहे मुसीबत हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु आज हमारा जिंदा खुदा है। वो आज हमारे घर में आ करके हमारी हर प्रकार से मदद करेगा और सहायता करेगा। हालेलुया, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा। और जिस तरीके से हम देखते हैं, बाइबल के बहुत सारे वचनों को पढ़ते हैं, उसमें हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर जीवित हुए और मृत्यु को हरा करके परमेश्वर ने जगत में सबसे इतना प्रेम किया कि जिस तरीके से आज सारे संसार के लोगों के अपराधों को और गुनाहों को परमेश्वर क्षमा करने वाला है। यदि आज मेरे मसीह भाई बहन जितने लोग हैं वो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा है, उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया, हमारे हर प्रकार के गुनाहों के लिए परमेश्वर ने अपने आप को सूली पे चढ़ाया, तो आज ही हमारे जीवन में जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ ठीक होगा। हमारे जीवन में चाहे लड़ाई हो, चाहे झगड़े हो, चाहे बीमारी हो, समस्याएं हो, दुख हो, परेशानियां हो, आपके घर में नौकरी नहीं है, आपके घर में बहुत सारी चिंताएं रहती हैं, आपके बच्चों के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो आपके जीवन में आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करने के लिए आए। आपको यीशु मसीह ने चुना है इस संसार में, इस जगत में, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग कर सके, आपको आशीष दे सके और आपके जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा कर सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन मेरे प्रिय भाई ने आप कहता है, जिस तरीके से रोमियों पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 28 में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो इसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया, यदि आज हम सभी लोग मिलकर के हम सभी मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करता है आज हमारे जीवन में, क्योंकि हमारा यीशु जिंदा है, हमारा यीशु जिंदा है। आज वो हमारे दिल में रहता है, आज हमारे मन में रहता है, आज हमारे हर कामों में, हर पल, हर समय, हर घड़ी वो हमारी सहायता करता है, मदद करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना है, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमसे प्रेम किया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह से आज यदि आप प्रेम करते हैं और वचन को सुनते हैं, ये सुंदर से शाम के लिए, चाहे आपके जीवन में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, आपके जीवन में कितनी बड़ी समस्याएं क्यों ना हो, आपको विश्वास और भरोसा बना के रखना है, ताकि प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं करना है, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को मुसीबत में नहीं डालना है, क्योंकि जब आप चिंतित होंगे तो आप परेशान होंगे, तो आपके बच्चे आपके साथ साथ परेशान होंगे। इसीलिए आपको आज प्रार्थना को रिसीव करना है और ग्रहण करना है, ताकि प्रभु आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे। इसीलिए अगले वचन की ओर जब हम देखते हैं तो परमेश्वर वचन यहाँ पे क्या कहता है, जिस तरीके से व्यवस्था विवरण अध्याय 31 और वचन नंबर 6 में लिखा है, परमेश्वर वचन कहता है, जब तू प्रार्थना करेगा तो तेरे जीवन में सब कुछ ठीक होगा। जब ठीक जब होगा, जब हम हिम्मत बांधेंगे, क्या बांधेंगे, हिवाव बांधेंगे, जब हमारे अंदर वो ताकत होगी, हिम्मत होगी कि परमेश्वर मेरी मदद करेगा और मेरी सहायता करेगा, तो परमेश्वर आपको जरूर ब्लेसिंग करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है, तो हिवाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना तुझे वो कभी छोड़ेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों, यदि आज हमारे मन में ये बात याद है कि परमेश्वर हमें कभी भी धोखा नहीं देगा और ना ही कभी हमें छोड़ेगा, ना ही किसी मुसीबत की घड़ी में, ना ही चिंताओं में, मुसीबत में, परेशानियों में और बीमारियों में, परमेश्वर हमें किसी भी घड़ी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। संसार के लोग आपके साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। आपके घर के लोग आपके साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, तो ये हमारा विश्वास और भरोसा हमारे जीवन में प्रेम को ही उत्पन्न करता है। हालेलुया, इस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है, होशू ने कहा यहाँ पे अध्याय 1 और वचन नंबर 9 में लिखा है, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है इस तरीके से, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिवाव बांध करके दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि
जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मतलब आज हमारा ईसो जिंदा खुदा है, तो इसीलिए आज हमारे संग वो हर पल हर समय हर घड़ी जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ परमेश्वर हमारे संग रहेगा। क्या आपने कभी मुर्दों को देखा है चलते हुए? नहीं। क्या मुर्दों को कहीं एक से स्थान से दूसरे स्थान में देखा जाते हुए? नहीं। तो इसका मतलब हमारा खुदा वचन बाइबल बताती है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। इसका मतलब है यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा है, यीशु हमारा परमेश्वर है। इसीलिए हमें भरोसा रखना है और विश्वास रखना है, और आज इस शाम की प्रार्थना में आपको विश्वास और भरोसा बनाए रखना है ताकि प्रभु आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे। आपको प्रार्थना को अंतिम तक सुनना है ताकि प्रभु आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को वो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर सके। हालेलुया। और जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ हमारा परमेश्वर, आप सभी मसीह भाई बहनों का जो हमारा खुदा यीशु मसीह है, वो हर पल हर घड़ी हर वक्त आपके साथ वो मौजूद रहता है। चाहे आप गाड़ी में जाते हैं, आप कार चलाते हैं, आप बिजनेस में जाते हैं, आप काम कर जाएँ जॉब में जाते हैं, या किसी भी स्थान में दूसरे स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि आप जाते हैं तो परमेश्वर उसमें आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है और आपकी प्राणों की रक्षा करता है। और खुदा की महिमा आप करें तो परमेश्वर आपको और ब्लेसिंग आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, दाऊद ने इस बात को जिस तरीके से कहा था, क्या कहा था, अध्याय 128 और वचन नंबर जिसे लिख लिया है, दो में क्या लिखा है, क्या ही धन है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तो मतलब यदि आज हम परमेश्वर के भय को मानते हैं, उसकी ताकत, उसकी सामर्थ को मानते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन को बदल सकता है, तो आज हमें हर प्रकार के जो बुरे काम है उसे छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का भय मानता है जो व्यक्ति, वो मार्गों पर चलता है तो उसके जीवन में परमेश्वर उसे अनेक प्रकार के जो रास्ते बंद होते हैं वो खोलते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियों पर प्रभु के वचन पे आज हमें भरोसा रखना है और विश्वास रखना है कि परमेश्वर का वचन आज हमें ब्लेसिंग करेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, तू अपनी कमाई को निश्चित खाने पाएगा तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। आज हमारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, कितनी बड़ी चिंताएँ क्यों ना हो, यदि आज हम ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं और परमेश्वर के वचन पर भरोसा और विश्वास को बनाए रखते हैं तो खुदा हमें और ब्लेसिंग करेगा। मैं जानता हूँ कि आज आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सफल नहीं हो रहे, जो काम आपके नहीं चल रहे, ठीक नहीं हो रहा है। आपके घर में हो सकते लड़ाई और झगड़े हों, चिंताएं हों, मुसीबत हो, परेशानियां हों। आप अपने बच्चों के रिश्ते के लिए बात कर रहे हों, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। तो हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने मेरे मसीह भाई बहन कॉल सेंटर के माध्यम से प्रार्थना भेजते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं व्हाट्सएप के जरिए, उनके लिए सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेसिंग कर और आशीष दे। और आज आपके खुदा आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से परमेश्वर आपको बचाएगा, क्योंकि हमारा यीशु जिंदा है। हालेलुया। इसीलिए आज आप इस प्रार्थना को जब सुनते हैं तो आपके मन में प्रभु के प्रति बहुत प्रेम आता है और परमेश्वर आपके प्यार में और परमेश्वर आपके जीवन में प्रभु आपको और ब्लेसिंग करेगा। जब आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो प्रभु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। चाहे वो आपके काम में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे आपके किसी भी हालात में आप क्यों ना हो, उसमें परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और ढेर सारा प्यार आपके जीवन में प्रभु देगा। चाहे आपके जीवन में बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों ना हो, उसमें परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्यो, जिस तरीके से हम देखते हैं, जिस तरीके लिखा है नीति वचन अध्याय जिस तरीके 16 और वचन नंबर लिखा है 3 में, यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है, सुलेमान ने क्या कहा, यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी सारी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। मतलब हमारे जो काम है, जो हमारे बिजनेस है, जो हमारे जॉब है, जो हमारे पास जो भी हम कार्य करते हैं, यदि उसको हम परमेश्वर के प्रति समर्पित करते हैं या दे देते हैं, डाल देते हैं कि परमेश्वर आज के बाद इस काम को तू देखेगा और जो मेरे जीवन में दिक्कत है, मुसीबत है, बीमारी है, उसे तो ठीक करेगा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, तो आपके जीवन में निश्चित हर एक काम सफल होंगे, उसमें हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो रुकावटें आती हैं वो दूर होंगी, आपकी हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकल जाएगी। हालेलुया,
धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें भरोसा और विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारी हर तरीके से मदद करता है। आज प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम मेरे वचनों पर बने हो तो मैं तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए बना रहूँगा, और यदि तुम मेरे वचनों पर विश्वास करते हो तो मैं तेरे जीवन में ढेर सारी आशीष दूंगा, ढेर सारा बरकत दूंगा। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करते हैं कि आज सुंदर से समय के लिए कि प्रभु आज हमें ब्लेसिंग कर, आज हमें आशीष दे, कि प्रभु आज जो आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को बरक है, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं कि खुदा आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय ये विश्वास करते हैं कि हमारा यीशु मसीह, हमारा जो खुदा, आज वो जिंदा है। आज हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, उनको हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार के गलत रास्ते से बचा करके उन्हें एक अच्छे मार्ग पर ला पिता परमेश्वर। आज वो किसी भी देश में, आज वो पैसा कमाने के लिए गए हैं, आज वो किसी भी कंट्री में है, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी प्रदेश में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, आज क्यों ना आज बैठे वो प्रार्थना सुनते यीशु मसीह के नाम से। आज उन्हें ब्लेसिंग कर यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके हर प्रकार के काम बंद पड़े यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेसिंग कर यीशु मसीह के नाम। छो पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखें। आज जो बीमार हैं, आज जो हालातों से लड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जो परिस्थितियां हैं बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, उसके लिए हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन के हर प्रकार के हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप आज्ञा दीजिए, एक गिलास आप पानी लीजिए। आज आपके जीवन में जो भी बीमारी हो, जो भी समस्याएं हो, आप ये विश्वास करके आपको प्रार्थना करना है, इस पानी को आज्ञा देना है, ताकि आपके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से दूर हो जाए। आपको विश्वास रखना है कि यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा है। आज वो मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन में सबकी वो रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो खुदा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते हैं कि आज हमारे घर से, आज हमारे परिवार से, आज हमारे बच्चों के जीवन से, यीशु मसीह के नाम से, आज वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। आज हमारे काम में, आज हमारे बिजनेस में पिता परमेश्वर, आज जो रुकावटें आ रही है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आज मेरे जीवन में हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो पेट में दर्द हो, सीने में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, या फीवर हो, या किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा बुखार आता है यीशु मसीह के नाम से, सर्दी, जुकाम, पैरों दर्द, अनेक प्रकार की हड्डियों में प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से आज ये पानी पीते यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम, निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन से हर प्रकार की बुराइयां, इनके जीवन जो लड़ाई और झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो हर प्रकार के रिश्ते को मजबूत कर परमेश्वर, जैसे आपने प्रेम किया सारे जगत के लोगों से कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई आज वो विश्वास करेगा उसके जीवन में परमेश्वर आप उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनको हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों से बचाने वाले, हर प्रकार की मुसीबत से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम विनती करते, प्रार्थना करते, दुआ करते कि परमेश्वर आज हर एक मसीह भाई बहनों को छो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आज जो इनके घरों में बैठी हैं, आज जो शैतानी ताकत इनके जीवन में काम करती है, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज के बाद इनके जीवन में कभी किसी प्रकार के कामों में रुकावट ना, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर इसी वक्त इनके हालातों को दूर कर परमेश्वर। आज जिनके घर में अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ बनी हैं, जो मुसीबत का समय आज उनके जीवन में आया है, उसके लिए हम प्रार्थना करते, विनती करते, दुआ करते कि परमेश्वर आज इन्हें हर प्रकार की मुसीबत से ब्लेसिंग कर, इन्हें आशीष दे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज इन्हें हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की चिंताओं से आज इन्हें आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज ये अपने जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, या किसी भी चीज़ के लिए आज ये दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं हर प्रकार की बीमारियों के लिए, तो सब कुछ आज आपके जीवन से आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। रिसीव करिए और आप आज्ञा दीजिए, जो आपने हाथ में पानी लिया है, और आज्ञा दीजिए आज आपके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं
आत्माएं आपके जीवन से निकलने चाह रही, यीशु मसीह के नाम से निकल जाएगी, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा आज हमारे संग है, आज मेरे घर में है, आज मेरे बच्चों के जीवन में है, आज मेरे परिवार में है, यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे हर प्रकार के काम धंधे और बिजनेस में आज परमेश्वर मेरे संग वो खड़ा, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते कि हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार के जो अनेक प्रकार के जादू टोना है, यीशु मसीह के नाम से ब्लैक मैजिक, यीशु मसीह के नाम से आज इनके परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके घर से, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के निकल, यीशु मसीह के हम आज्ञा देते हैं। हर एक मसीह भाई बहनों के परिवार के लिए प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहन अपनी गवाहियों को भेजते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि उनके जीवन में और ब्लेसिंग कर और आशीष, यीशु मसीह के नाम से उनके हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की चिंताओं को उनके जीवन में परमेश्वर दूर कर, यीशु मसीह के नाम से। और उनके जो इच्छाएं हैं परमेश्वर आपके अनुसार पिता परमेश्वर उनके जीवन में पूरी होने पाए, और जिस काम में वो हाथ लगाए उसमें 100 गुना परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, उनके जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को आप पूरा करने जा रहे, यीशु मसीह के नाम से विदा। परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपके वचन के द्वारा आज आप हमारे यीशु मसीह के जो हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, आज उसके वचन के द्वारा आज हमारे जीवन जो आपने ब्लेसिंग की है, आपने हमें आशीष दी है, हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की समस्याओं से आपने हमें आजाद कर दिया, यीशु मसीह के नाम से। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको भरोसा रखना है, यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा है, यीशु हमारा जिंदा है। यदि आज हम प्रार्थना को आपने विश्वास के द्वारा सुना होगा और आपने जो पानी लिया था, यदि आप उसको विश्वास के द्वारा पानी पीते कि आज मेरे जीवन में जो भी समस्याएं, दुख, चिंताएं, मुसीबत, बीमारी, दुख और अनेक प्रकार की समस्याएं जो भी आपके जीवन में रही होगी, वो सब कुछ ठीक होगा, तो आप मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो गवाही को भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर व्हाट्सअप नंबर भी है, इसमें कॉल भी कर सकते हैं, आप इसमें SMS भी कर सकते हैं, आप इसमें अपनी गवाही वीडियो बना करके ज़रूर भेजें ताकि उसे दिखा सके और परमेश्वर के वचन में आप और मजबूत होते जाएं, परमेश्वर आपको और ब्लेसिंग दे और आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस तरीके से मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहने कहते हैं कि सर हम परमेश्वर के जो वचन में, वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें ब्लेसिंग की, हमें आशीष दिया है, उसके भवन में हम बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा अनुसार आप बीज को बो सकते हैं, परमेश्वर उसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, आपको आशीष देगा और परमेश्वर आपकी हर प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा, आपके हर प्रकार के विचार में परमेश्वर आपकी सहायता और आपकी मदद करेगा, जिस काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।